बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। बिहार शरीफ मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मघड़ा गांव। इस गांव की पहचान सिद्धपीठ मां शीतला के रूप में की जाती है। शीतला माता के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यह मंदिर प्राचीन काल से ही आस्था का केंद्र रहा है। यहां कभी गुप्त काल के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पूजा की थी। उन्होंने अपनी रचना में भी शीतला माता मंदिर की चर्चा की है। मंगलवार से शीतलाष्टमी मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मघड़ा में माता शीतला के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। शीतलाष्टमी मेला के दिन मघड़ा व इसके आसपास के दर्जनों गांवों में चूल्हा नहीं जलता है। लोग एक दिन पूर्व ही खाना बनाकर दूसरे दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शीतला मंदिर के पुजारी ने बताया कि चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन यहां देश के कोने कोने से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। व्रत की विशेषता यह है कि इसमें शीतला देवी को भोग लगाने वाला पदार्थ एक दिन पूर्व ही बना लिया जाता है। वासी भोग लगाने की परंपरा है। चैत्र अष्टमी के मौके पर मां शीतला की पूजा अर्चना के लिए सूबे के विभिन्न जिलों के अलावा झारखंड, बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मघड़ा गांव में काफी पुराना मिट्टी कुआं है। इसी कुएं के पानी से सप्तमी की शाम में बसी औरा के लिए भोजन तैयार किया जाता है। प्रसाद में अरवा चावल, चने की दाल, सब्जियां, पुआ, पकवान आदि बनाया जाता है। खास बात यह है कि मां शीतला मंदिर में दिन में दीपक नहीं जलते हैं। धूप, हुमाद व अगरबत्ती जलाना भी मना है। मां शीतला मंदिर के पास ही बड़ा सा तालाब है। मां के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु तालाब में स्नान करने के बाद ही पूजा अर्चना करते हैं। तालाब में स्नान करने से चेचक रोग से निजात मिल जाती है। शरीर में जलन की शिकायत है तो उससे भी राहत मिलती है। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। इतिहास में यह वर्णित है कि ह्वेनसांग चाइनीज यात्री जब नालंदा यहाँ आए थे तो मतलब उस समय जो है ना, यह बोल के गए थे कि राजगृह से 15 किलोमीटर शक्ति का प्रतिमा है और वह शक्ति वही है जो आप यहाँ पर ही उपस्थित हैं। माँ शीतला के नाम से प्रचलित है और यहाँ पर जो पूर्व में पंडित जी बता चुके कि बस्यौरा का शब्द जो है बासी से है। यहाँ चैत बैसाख जेठ आषाढ़ के पहला पक्ष के सप्तमी के दिन प्रसाद बनता है और वह प्रसाद है ना खाकर है ना सुबह में दही चीनी से माँ को स्नान कराया जाता है और दिन रात हम लोग बासी भोजन ग्रहण करते हैं और इस पर्व को हम लोग हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष चैत के मतलब सप्तमी के दिन जो है काफ़ी मात्रा में शीतलाष्टमी नाम से यह फेमस है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य सुन मेरा नाम सुमन हुआ कुंदन के नाम से प्रचलित है जी कुंदन कुमार चौड़ा होता है। माता जी के प्रसिद्धि में 4 गो बस्यौड़ा होता है जिसमें प्रथम बस्यौड़ा चैत, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़। लेकिन सब मास के अधिकतम चैत कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन चना का दाल, चावल और लाल का साग इसका बनाया जाता है और अपने औकात के मुताबिक पूरी सब्जी जिनके पास जितना है वह सक्षम है वो अपना बनाएंगे और उसी दिन जो पर्दा नसीब औरतें हैं जो रात में ही पूजा कर लेते हैं उसके बाद अष्टमी के दिन दिन भर पूजा अर्चना चलते रहता है। उसी के अनुपात में पूरे गांव में कहीं चूल्हा नहीं जलता है, कहीं भी झाड़ू वगैरह घर में नहीं पड़ता है और ये माता का प्रसिद्धि है। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।